पोंगल नाम तो सुना ही होगा, पर क्या कभी खाया भी है? एक बार मेरे साथ इसको बना के ट्राई करिए और फिर आप इसको मना करके दिखाइए, मान जाऊंगी आपको। स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। देखिए क्या किया है मैंने यहाँ पे। यहाँ दाल और चावल मैंने ले लिए हैं। एक्चुअली मैंने इनको पहले से ही मिक्स कर लिया था, बाद में सोचा कि वीडियो आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल और चावल ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो करके थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। मूंग की दाल बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, इसको एक आप आधे घंटे पहले भी भिगा देंगे तो आपके लिए काफ़ी काम कर जाएगा। चलिए, इसमें हमने एक कुकर ले लिया है और वहाँ में मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम कर लिए हैं और अब हम इसमें अपना तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला है करी लीव्स, पेपरकॉर्न्स, दालचीनी, हरी इलायची और ये जीरा। जीरा देखिए हमारा कितने अच्छे से तड़क गया है। अब हम इसमें यहाँ पे ये ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है एकदम और इसको घर में ही ग्रेट करके रेडी किया है और इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसको चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है, जलाना नहीं है, भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको अच्छे से हमें इसी तरीके से हिलाते हुए चला लेना। गैस बिल्कुल धीमी है यहाँ पर, एकदम सिम पे ही हमें ये काम करना है। ये जो हमारा जो नारियल है 2 मिनट के लिए भुन जाएगा, तब हम इसमें अपना आगे का सामान डालना शुरू करेंगे। पहले हमें इसको भून करके कच्चापन निकालना ज़रूरी है। तो चलिए हमारा नारियल भुन गया है, अब हम इसमें अपने ये धुले हुए दाल चावल ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इनको भी साथ में हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इस तरीके से फ्राई करने से जो दाल चावल होता है, इसका एक एक दाना खिला हुआ बनने के तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही कम मसालों के साथ में मैं खाना बना करके रेडी करती हूँ और इसमें बाज़ार के मसाले तो मैं बिल्कुल ना के बराबर डालती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए और यहाँ पे रेसिपीज़ आप चेक करिए, बिल्कुल कम मसालों के साथ में आपको इतनी टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी कि आप भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलिए इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई होने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। खिचड़ी में नॉर्मली हम 6 गुना पानी डालते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल लिया है और अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो स्वाद के अनुसार हम इसमें अपना थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। और बस यहाँ पे इसमें कुकर में ढक्कन लगा करके सीटी आने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें सीटी आ रही है, तब तक मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब बेंगलोर में थी ना, तब मैंने वहाँ पे एक बार पोंगल खाई थी और मुझे उसका टेस्ट जीवन भर नहीं भूला। मैं उस टेस्ट को हमेशा से अचीव करना चाहती थी और आज मैंने अल्टीमेटली कर लिया है। ये कोकोनट लवर्स के लिए तो ये ट्रीट है और कोई भी कोकोनट लवर इसको मना नहीं कर पाएगा, ये इतनी टेस्टी बनी है।
जो लोग खिचड़ी नहीं भी खाते होंगे ना वो भी खानी शुरू कर देंगे इस तरीके से। और मैंने इसको सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ, जो कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा कई गुना बढ़ा रही है। तो आप मुझे बताइए कि नारियल आपको पसंद है कि नहीं, और अगर नारियल आपको पसंद है तो ये पोंगल आपको पसंद है कि नहीं। बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैसी लगी आज को आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिए।